हेलो, आपका स्वागत है हाईटेक एग्रीबायोटेक फार्मिंग चैनल में। हम गुजरात में कश्मीरी केसर की खेती कर रहे हैं। अगर मेरे पास रूम में एक तैयार है जो 10 बाय 15 का रूम है, तो मैं कैसे, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ? तो आपके पास 10 बाय 10 का रूम है, कमरा है, तो उसमें आप मिनिमम आप स्टार्ट कर सकते हो। मिनिमम आपका उसमें 4 से 5 लाख का इन्वेस्टमेंट लगेगा। उसमें आपका डायरेक्ट जो मशीनरी होगा वही लगाना पड़ेगा। मेरे पास एक रूम है जो 10 बाय 15 का रूम है, तो मैं वहाँ स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो कैसे कर सकता हूँ? आपके पास 10 बाय 15 का रूम है, तो वहाँ पे आप पहले क्या रूम का रिनोवेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो फोगर मशीन होगा वो फोग करेगा, तो सारे जगह पे वो फंगस लगने का चांसेस रहेगा, बढ़ ना जाए। उसके लिए आपको रूम का थोड़ा रिनोवेशन करना पड़ेगा। बाद में मशीन लगाना पड़ेगा जो CO2 कंट्रोलर है, दूसरा ह्यूमिडिफायर है, तीसरा जो हमारा जो चिलर है मेन मशीन वो भी लगाना पड़ेगा, और उसके बाद रेक लगाना पड़ेगा, ट्रे लेना पड़ेगा। वो सब कुछ आप लेके आप स्टार्ट कर सकते हो। उसमें कैसे की फार्मिंग आप कर सकते हो आराम से। अगर मैंने ये सब कुछ ले लिया, रूम बना दिया, तो वो जो रूम बन गया, तो इसके बाद मुझे वो सब आपने बोला कि रेक है, ये है, ह्यूमिडिफायर है, चिलर मशीन है, कार्बन डाइऑक्साइड का मशीन है, तो वो सब मशीन है वो कैसे कंट्रोल करूँगा? कोई मैन पावर रखना पड़ेगा कि क्या है? इसमें क्या रहेगा, आपको 3 फेज़ का पहला प्रथम तो ये लाइट लेना पड़ेगा, 3 फेज़ की लाइट लेना पड़ेगा। 3 फेज़ की लाइट होगा, वो जो मशीनरी होगा वो सब कुछ ऑटो कंट्रोल होगा। जो कोगर होगा ना, जो ह्यूमिडिफायर, वो भी ऑटो पे होगा। वो CO2 मशीन है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी ऑटो पे रहेगा, और दूसरा जो है जो चिलर मशीन वो भी ऑटो पे आएगा। सब कुछ ऑटो पे ही कंट्रोल होगा। आप जो भी सेट कर देंगे उस पर उस हिसाब से वो काम करेगा। अभी हमने रूम सेटअप का तो समझ लिया, तो उसके बाद क्या करना है? रूम सेटअप हो गया, उसके बाद हमने जो बल्ब मंगवाए हुए उसको हम लाके यहाँ पे या शॉर्टिंग करना पड़ेगा। या शॉर्टिंग करने के बाद उसमें से हम तो बड़े वाले जो अच्छे बल्ब हो गए उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे रूम में। ट्रांसफ़र करने के बाद उसमें हम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वो सब का कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल भी ऑटो, आपने बोला कि ऑटोमेटेड है, तो ऑटोमेटेड कंट्रोल तो हो जाएगा। तो कितने दिन में मुझे केसर मिलेगा? मेरा फाइनल प्रोडक्ट केसर है, वो कितने दिन में मिलेगा? जो हेल्दी बल्ब हो गए वो 60 डे में फ्लावर आना स्टार्ट हो जाएगा, या 70 डे में फ्लावर आना स्टार्ट हो जाएगा, और 90 डे या 95 डे में आपका केसर का सब कुछ हार्वेस्टिंग पूरा हो जाएगा। तो आपके पास जो रूम है वो कितना बड़ा है और आपने कितना प्रोडक्शन लिया है उसमें? हमारे पास जो रूम है वो 216 स्क्वेयर फीट का रूम है, और हमने उसमें से अभी तक 1 केजी के आसपास प्रोडक्शन ले लिया है। तो अभी आपने बोल दिया कि आपका तो इतना प्रोडक्शन आया है, पर अभी जो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद की प्रोसेस क्या रहेगी? जो फ्लावरिंग आ गया, जो आपने जो 90 मैंने बोला कि 90 डे या 60 डे में फ्लावर आ जाएगा, उसके बाद क्या करना रहेगा कि उसको हार्वेस्ट करना रहेगा। जो फूल आएगा, आप जो लाइट देंगे, जो ग्रो लाइट देंगे या स्पेक्ट्रम वाली जो भी लाइट आप देंगे, तो उसके बाद फूल खिल जाएगा। फूल खिल जाने के बाद उसको हम हार्वेस्ट करेंगे। हार्वेस्ट करने के बाद उसमें से हम केसर अलग निकालेंगे। अलग निकालने के बाद हम उसको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद आपका जो केसर आएगा वो बेचने के लिए बाज़ार के लिए और तैयार हो जाएगा, आप बेच सकते हो। तो हर बार ये जो केसर लेंगे, हर बार हमको वो जो इसका बीज हम जो आप बल्ब बोल रहे हो उसको हर बार लेना पड़ेगा कि क्या है? नहीं, जो कश्मीरी जो बल्ब है वो हर बार नहीं लेना पड़ेगा। जो हमने आया जो प्रोजेक्ट है वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाला है। आपने जो कश्मीरी केसर जो एक बल्ब है जो एक बार मंगवा लिया, उसके बाद हम यहाँ पे मल्टी भी करेंगे, कंपोस्ट बना के उसमें मल्टी करने के बाद उसमें से क्या रहेगा, जो एक्सपायर होने वाले बल्ब हो गए, जो फ्लावरिंग दे दिया, जो एक्सपायर होने वाले जो बल्ब हो गए वो मल्टी हो जाएंगे, बेबी बल्ब देंगे। 1 में से 2-3 ऐसे बेबी बल्ब मिलेंगे उसमें से। तो इसलिए हमको ये जो बल्ब है वो एक ही बार मंगवाना पड़ेगा। अभी जो हमने रूम भी एस्टेब्लिश कर लिया, केसर भी प्रोड्यूस कर लिया, तो अभी हम केसर को कहाँ बेचेंगे, कैसे बेचेंगे? तो केसर को है ना, हम अभी देखें तो ऑल ओवर इंडिया में 100 टन की रिक्वायरमेंट्स है। अभी जो कश्मीर में जो केसर मिल रहा है वहाँ से पूरा कश्मीर से 10 से 15 टन ही माल निकल रहा है। जो बाकी जो केसर है वो हम बाहर से प्रोड्यूस कर रहे हैं, ईरान है, अफगानिस्तान, वहाँ से हमको अभी केसर मिल रहा है। तो आपको जो अभी जो आपने रूम में से जो प्रोडक्शन लिया है, आप अपनी खुद की ब्रांड से भी बेच सकते हो, रिटेलर में या होलसेल में, दोनों तरह आप बेच सकते हो। अगर मुझे भी कश्मीरी केसर की खेती करनी है तो मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ? जो आपको कश्मीरी केसर की खेती करनी है तो हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उसमें हम केसर की फार्मिंग की पूरी डिटेल देते हैं। A to Z जो सब कुछ आएगा हम पूरी डिटेल देंगे। कैसे रूम का सेटअप करना है, सेटअप करने के बाद क्या करना है, तो कैसे बीज लगवाना है, पूरी आप हम आपको डिटेल देंगे कि कैसे टेम्परेचर मेंटेन करना है। हम A to Z डिटेल आपको हम प्रोवाइड करेंगे, कैसे मल्टी की हो, सब कुछ हम डिटेल आपको हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपने बोला कि इसमें इतना इन्वेस्टमेंट होगा, तो जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने साल में निकल जाएगा? और इसमें जो हम इन्वेस्ट करेंगे तो 4 से 5 लाख, वो 2 साल लगेगा इन्वेस्टमेंट वापस आने में। और तीसरे साल क्या होगा कि हमने जो बल्ब मंगवाए हो, कंपोस्ट में डाले होंगे, वो मल्टी होके हमको जो प्रोडक्शन मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा तीसरे साल। तो तीसरे साल प्रोडक्शन आने में भी बल्ब भी आपके पास ज़्यादा होगा और प्रोडक्शन भी ज़्यादा आएगा।